नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। नजर डालते हैं जगत की बड़ी खबरों पर। जीएसटी बिल में बदलाव को लेकर नरम पड़ी मोदी सरकार। बिल से हटाया गया राज्यों को 1% अतिरिक्त विनिर्माण कर देने का प्रावधान। 5 साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई करने के प्रावधान पर लगाई गई मुहर। कैबिनेट बैठक में स्टॉक एक्सचेंज में 15% एफडीआई देने को मंजूरी। स्टॉक एक्सचेंज में अब तक एफडीआई था 5%। कैबिनेट के फैसले के बाद एमसीएक्स के हिस्सा बिक्री का रास्ता हुआ साफ। शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में उछाल, सेंसेक्स 100 अंकों की मजबूती के साथ 28,123 पर। वही निफ्टी 26 अंकों की बढ़त के साथ 8,641 पर कर रहा है कारोबार। मारुति सुजुकी ने लाइट कमर्शियल वाहन सेक्टर में रखा कदम। अगस्त के अंत तक सुपर कैरी की बिक्री शुरू होने की घोषणा। शुरुआती कारोबार में अहमदाबाद, कोलकाता और लुधियाना में सुपर कैरी होगी उपलब्ध। सरकार और बैंक प्रतिनिधियों के बीच बातचीत सफल ना होने पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने किया ऐलान। 29 जुलाई को बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का फैसला। हड़ताल से बैंकों में चेक क्लियरेंस, नकदी जमा और निकासी समेत अन्य सुविधाओं में होगी परेशानी। अर्चगत में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।